गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम लोग उठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे ये भी आपको पता लग जाएगा। तो आज हमने ये सब लिया, थोड़ा हल्का हल्का खाना लिया है हमने, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अब हम लोग चल, अब हम तैयार हो गए हैं सब, अब हम चल रहे हैं सज्जन के पैलेस। तो चले हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कैब का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से कैब से जाएंगे, उसके बाद घूम फिर के फिर यहीं आएंगे वापस, अपनी कार को पिक करके अपना फिर नेक्स्ट होटल के लिए जाएंगे। तो कैब आ गई अब हम लोगों की, हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मानसून पैलेस, जिसे सज्जनगढ़ उदयपुर के रूप में भी जाना जाता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं टिकट यहाँ पर हमने लिए हैं 10 रुपीज़ के और कार के 100 रुपीज़, और जो यहाँ का टाइमिंग है 10 से 6 इवनिंग। फिर यहाँ पे हम लोगों के टिकट देखे गए, फिर हम आगे बढ़े। तो आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे पहाड़ हैं, अरावली के पहाड़ हैं ये। और फिर हम लोग पहुँच रहे हैं, इतने में आप व्यू का मजा लें, काफ़ी बड़ा है, टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपनी गाड़ी पार्किंग में, हमने लगाई दी है। अब हम लोग स्टेयर से जा रहे हैं, सामने देखिए ये वो पैलेस है जिसका नाम सज्जनगढ़ पैलेस है, और ये मुख्य रूप से मानसून के बादलों को देखने के लिए बनाया गया था। और जो आपने सामने जो झील देख रहे हैं ना, इसका नाम फतेह सागर झील है, जो बहुत ही प्यारी लगती है मानसून के टाइम पर। तो यहाँ पर कहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, जब भी आप आए ना तो आप यहाँ पे नवंबर से लेके मार्च के बीच में आए, काफ़ी अच्छा टाइमिंग रहेगा और अच्छे से आप यहाँ पे एंजॉय कर सकेंगे। हम लोग इतने फ़ोटोशूट करा रहे हैं, थोड़ा सा अपने फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं इतने में, आप देख सकते हैं पीछे कितने प्यारे प्यारे व्यू। क्या आपको पता है यहाँ पे एक मूवी भी बनी थी, एक नहीं यहाँ दो, एक बनी थी घूंघट की आर से दिलबर का, और दूसरा गाना यहाँ बना था तू धरती पे चाहे जहाँ पे। कहते हैं उदयपुर के अंदर इससे बड़ी इमारत कोई नहीं है, सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया ये 132 साल पहले मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने खास तौर पर यह मानसून के बादलों को देखने के और बारिश से अनुमान लगाने के लिए इसको बनाया था। यहाँ सनसेट खूबसूरत नज़र आता है जब शाम हो जाए, हम लोगों को जाना तो इसलिए हम शाम तक नहीं रुक सकते, अगर आप लोग आएँ तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। तो आगे आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ से आपको विलेज दिख रहा होगा, इनको नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा लग। अब हम अंदर की साइड जाते हैं तो ये भी आप देखें, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इंडियनों में, स्पेशली मानसून में बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है घूमने लायक, अच्छे से आप घूम सकते हैं। वो आपको क्राउड देख के लग ही गया होगा, ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ से पूरा विलेज दिख रहा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो और फोटो क्लिक करी है, और बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी ऊंचा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बच्चों को लेके। वैसे आप हवा भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, यहाँ से देखने से ना ऐसा लग रहा है जैसे हम एरोप्लेन से देखते हैं, अगर आप देखोगे ना विंडो के नीचे एरोप्लेन से तो ऐसे ही लगेगा बिल्कुल जैसे हम एरोप्लेन में हैं। तो बहुत ऊँचाई पर बनाया गया है। कहते हैं जब यहाँ बारिश होती है तो पहली बूंद जो होती है ना बारिश की, वो इसी पैलेस पे डलती है क्योंकि आपको पता है काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे। अब हम लोग मानसून पैलेस घूम चुके हैं, अब हम वापस अपने कार की ओर जा रहे हैं, जहाँ हमने होटल में खड़े किए थे अपनी कार वहीं जाएंगे, यहाँ से निकल तो ही नीचे उतरेंगे। तो काफ़ी बड़ा है घूमने के लिए, 2 घंटे तो चाहिए इसको भी घूमने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा हमें दिखा तो सोचा इसको भी क्लिक करके चलते हैं फिर यहाँ से, उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अरे गिर गया, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहे हमारे साथ, बाय बाय।